टीम जिला ग्रामीण युवा कल्याण संघ ड्राइवर ने अपने अध्यक्ष फरीद अहमद नाइक की अध्यक्षता में आज शैक्षणिक क्षेत्र गोंदना डोडा के सरकारी हाई स्कूल टांटना का दौरा किया। एक बयान में ड्राइवर फरीद अहमद नाइक ने कहा कि नवगठित हाई स्कूल टांटना जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है और यह स्कूल जिला डोडा के ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य सरकारी स्कूलों की तरह मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। बच्चों के पास सुबह की सभा के लिए खेल का मैदान भी नहीं, सुबह की मॉर्निंग असेंबली को करने के लिए भी छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। छात्रों और शिक्षकों ने कहा कि लोग हमें रोजाना गालियां देते हैं क्योंकि हमारे स्कूल में कोई खेल का मैदान नहीं है, जिसके लिए इन्हें खेतों में मॉर्निंग असेंबली करनी पड़ती है। किचन शेड भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। स्कूल के हेडमास्टर के अनुसार कुछ वर्ष पहले किचन के ऊपर एक पेड़ लगता है जिसे आज तक हटाया नहीं गया है। इसके अलावा छात्रों के सामने एक और बड़ी समस्या है कि कार्यालय के कमरे सहित अच्छी स्थिति में केवल 4 कमरे हैं, जिसके कारण एक कमरे में 3 कक्षाएं हो रही हैं। फरीद अहमद नाइक ने कहा कि इसका आंकलन किया जा सकता है कि बच्चे वहां क्या अध्ययन करते होंगे। यहां तक कि वहां शिक्षक बहुत मेहनती हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे खेल के मैदान, किचन, क्लासरूम आदि के कारण टीचरों के साथ साथ छात्रों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फरीद अहमद नाइक ने कहा कि जिला ग्रामीण युवा कल्याण संघ ड्राइवा हमेशा डोडा जिले में शिक्षा से संबंधित मुद्दों को उठा रहा है और हमारा एकमात्र उद्देश्य हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार करना है ताकि मासूम बच्चों के मूल अधिकारों का उल्लंघन न हो। और एक बार फिर टीम जिला ग्रामीण युवा कल्याण संघ ड्राइवा ने जिला प्रशासन के साथ साथ CEO डोडा से इस मामले को तत्काल देखने का अनुरोध किया। आपका नाम? सर, मेरा नाम फरीद अहमद नायक है। देखिए, जहाँ तक हम बात करें गवर्नमेंट हाई स्कूल टांटना की, न्यूली अपग्रेड है ये स्कूल। जब हमारी टीम ड्राइवर वहाँ पर पहुँची तो हमने वहाँ के स्टूडेंट्स और टीचर्स से बात की, उनने काफ़ी सारी मुद्दे हमारे साथ डिस्कस किए वहाँ पे, लेकिन जो 3 अहम जो ख़ास मुद्दे हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। देखिए, सबसे पहला मुद्दा वहाँ पे है ग्राउंड का। बच्चों के पास ग्राउंड नहीं, मॉर्निंग असेंबली के लिए बाहर लोगों के खेतों में जाना पड़ रहा है और जाहिर सी बात है छोटे बच्चे हैं वहाँ पे, तो जब ब्रेक मिलती होगी उनको, लंच ब्रेक वगैरह, तो उस वक्त खेलते खेलते वो इधर उधर चले जाते होंगे, जिससे गाँव वाले भी गुस्सा हैं और उन्होंने कहा कि काफ़ी बार हमारे साथ मिसबिहेव भी किया गया है। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है किचन की। उनकी मानी जाए तो वहाँ पे 2017 में देवदार का एक बहुत बड़ा दरख्त उस किचन पे गिरा था, जिससे किचन टोटली डैमेज हो चुका है 100%। ना सिर्फ किचन, जो पुरानी बिल्डिंग थी स्कूल की उसको भी इस देवदार की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा। और तीसरी और खास सबसे अहम जो एक ज़रूरत है वहाँ की, मैं कहूँगा, जिससे डायरेक्टली जो है हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचता है, हमारी उनकी जो स्टडी है उन पे, वो यह है कि वहाँ पर प्रॉपर क्लासरूम्स नहीं है बैठने के लिए, पूरे क्लासरूम नहीं है बैठने के लिए। एक क्लासरूम में एक रूम में तीन क्लासें लगती हैं वहाँ पे, तो जाहिर सी बात है सोच सकता है इंसान कि एक रूम में 3 क्लासें लगती हैं तो वहाँ पर क्या सुनाई देता होगा, सिर्फ शोर ही सुनाई देता होगा। और 10वीं 9वीं तक वहाँ पर आज स्कूल है क्योंकि नया अपग्रेड हुआ है, तो वहाँ पे क्या सुनाई देता होगा एक रूम में 3 क्लासेस। तो टीचर्स की बात की जाए तो बहुत ही मेहनती हैं, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर इसके बावजूद भी हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ज़ाया हो रहा है, इसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे बच्चों के पास बुनियादी सहूलियात का फुकदान है वहाँ पे। और मेरी अपील रहेगी ज़िला इंतज़ामिया से, खसूसन हमारे CEO डोडा जो मुतालका महकमा से हैं, और ZEO गुन्ना से, कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ज़ाया ना होने दिया जाए और इनकी जो जायज़ ये मैं कहूँगा डिमांड है, जो इनके पास बेसिक फैसिलिटी नहीं है, बुनियादी सहूलियात से महरूम है ये, इन्हें ये पूरी बुनियादी सहूलियात फरहम की जाए क्योंकि ये इनका हक है, ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर वेस्ट ना हो, हमारे बच्चों की पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। शुक्रिया।